सुनीता और संतोष अपने बेटे राहुल के लिए लड़की देखने जा रहे थे। राहुल स्वभाव से बेहद ही शर्मीला था। बेटा राहुल, तुम्हें मोनालिसा से जो भी पूछना होगा पूछ लेना। आपको जैसा ठीक लगे, मैं कैसे। इस बीच संतोष राहुल के पिता राहुल की बात काटते हुए, यह क्या पूछेगा, जो उधारी देने के बाद खुद के पैसे मांगने में भी शर्म आता है। मोहल्ले के बच्चे भी इससे नहीं डरते हैं। मैंने सुना है मोनालिसा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अगर ये हमारे घर की बहू बनती है तो पूरे मोहल्ले में हमारा खूब रोब होगा। सभी लड़की वालों के घर पहुँचते है, उनका वहाँ बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है। हमारी बेटी मोनालिसा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और वो अपने कॉलेज में ड्रामा में पहला इनाम भी जीती है, और वो किसी भी ड्रामे में परफॉर्म करने से पहले उसके किरदार में पूरी तरह घुस जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो पहला इनाम जीती है। तभी मोनालिसा वहाँ जाती है और बिल्कुल वकील की तरह सुनवाई करते हुए, माय लॉर्ड, आज के जमाने में एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बेटा मोनालिसा, ये राहुल है। माय लॉर्ड, ये राहुल ही गुनेगार है, इसे कटघरे में बुलाया जाए। मैं गुनेगार लगता है इस बार वकील का रोल मिला है। इधर शीला और संतोष को लगता है ये हमारे राहुल से शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए ड्रामा कर रही है, इसलिए शादी के लिए फौरन हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में राहुल और मोनालिसा की शादी हो जाती है और मोनालिसा बहू बनकर सुनीता के घर आ जाती है। कुछ दिन सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद मोनालिसा को ड्रामा में जो भी रोल मिलता वे उस तरह बिहेव करने लग जाती है। गोपी बहू, ये सब्जी में नमक कम है, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या रसोड़े में नमक नहीं था, या आप चाहती है कि हम बिना नमक वाला खाना खाए? ये क्या बोल रही हो बहू? सास भी कभी बहू थी, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। संतोष बगल में बैठे सारा कुछ देख रहा था। सुनीता संतोष के साथ जाकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या हो गया है हमारी बहू को? लगता है इस बार सास का रोल मिला है। हे भगवान, ये तो मुसीबत की पुड़िया बन गई। इसे जब जैसा रोल मिलता ये वैसा ही बिहेव करने लगेगी। कुछ ही दिनों बाद मोनालिसा को डॉक्टर का रोल मिला। वे डॉक्टर जैसे कपड़े पहन घर में घूमने लगी और स्टेटोस्कोप लगाए सभी का इलाज करने लगी। उसी दिन घर में मीना मौसी बहू की मुंह दिखाई करने आई। अरे सुनीता, मैंने सुना है तेरी बहू चांद का टुकड़ा है, पूरे गांव में तेरी बहू की सुंदरता की चर्चा है, मैं भी तो देखूं जरा तेरी बहू को। हाँ हाँ मौसी, हमें भी मिलवाओ अपनी बहू से। मौसी वो, तभी मोनालिसा वहाँ डॉक्टर के वेश में आ जाती है। अरे वाह सुनीता, तूने बताया नहीं तेरी बहू डॉक्टर है। मौसी वो डॉक्टर? अरे हट, मैं अपने घुटनों का दर्द का इलाज उसी से पूछ लेती हूँ। हाँ जी, तो बताइए कब से आपको ये तकलीफ है? यही कुछ 8-10 महीनों से। मोनालिसा अपना स्टेटस स्कोप लगाए मौसी के पैर में कुछ देखती है और बोलती है, वाह बेटा, पढ़ी लिखी लगती हो, इलाज करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, तेरी बहू तो हीरा है हीरा। हाँ वे तो है ही। ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, आपका पैर काटना पड़ सकता है। अरे सुनीता, ये तुम्हारी बहू क्या बोल रही है, मुझे बस जरा से सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, ये तो मेरा पैर ही काट के मानेगी, कहाँ से ले आई हो ऐसी पागल बहू। मीना मौसी वहाँ से फौरन निकल जाती है और दोबारा
कभी नहीं आने का प्रण लेती है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, वरना हर दूसरे महीने मीना मौसी 15 दिन के लिए अपना बोरिया बिस्तर हमारे घर में ही जमा लेती थी। लेकिन अब मोनालिसा का भी कुछ इलाज करना होगा। तभी सुनीता को एक तरकीब सूझी और वे मोनालिसा से बोली, बेटा तेरे ड्रामा में मेरे लिए भी कोई रोल होगा तो बताना, मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने कुछ नया करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ मम्मी जी, एक नौकरानी का रोल है। नहीं बेटा, कोई अच्छा रोल हो तो बताना। एक महारानी का भी रोल है। हाँ ये अच्छा है, कल से मैं भी इस रोल की प्रैक्टिस में लग जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुनीता महारानी की तरह कपड़े और जेवर पहन सोफे को महारानी के सिंहासन की तरह उस पर बैठ जाती है। मम्मी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता लगा दो। बेवकूफ, महारानी से ऐसे बात करते हैं? ना चीज, हम तुम्हें कारागार में बंद करा देंगे। क्यों, क्या हो गया है मम्मी आपको? हम महारानी का रोल कर रहे हैं, तभी वहाँ मोनालिसा भी आ जाती है। मम्मी जी, राहुल को ऑफिस जाने में देरी हो रही है, आपने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक। तुम्हारी इतनी हिम्मत, महारानी से इस प्रकार बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? महारानी का हुक्म है, जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करो और नाश्ता बनाओ, वरना तुम्हें 10 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। राहुल, मम्मी जी तो पूरा ड्रामे में घुस गई है, ड्रामा स्टेज पर होता है, घर पर नहीं। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें यही समझाती हूँ, ड्रामा स्टेज पर होता है, घर पर नहीं। उसकी प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, इतनी भी नहीं कि दूसरों को तकलीफ हो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी भी घर पर ड्रामे की प्रैक्टिस नहीं करूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। मोनालिसा ने आज के बाद घर पर कभी भी ड्रामा की प्रैक्टिस नहीं की और एक अच्छी बहू की तरह घर को संभालने लगी।